हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम शुभाना जेकब आज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हम बातचीत करेंगे और मैं आपसे वो तमाम चीजें शेयर करूंगी जो कि इस टॉपिक का पार्ट है यस इट्स अ जॉब इंटरव्यू इन यूके किसी भी मुल्क से अगर ताल्लुक रखते हैं तो भी हम एक दफा प्रेशराइज जरूर होते हैं यूके के फर्स्ट इंटरव्यू के लिए और मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेपरेशन की थी इंटरव्यू के स्टार्ट में क्या पूछा जाता है मिडल में क्या होता है इंटरव्यू के एंड में क्या पूछा जाता है और पूरे थ्रू आउट द इंटरव्यू आपको किस तरह से बिहेव करना है आपकी क्या क्या चीज नोटिस हो सकती है ये सब चीजें जो है मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी काइंडली आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज आप मिस ना कर सके ओके okay, यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे सीवीज uh, लेके जाना और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है क्योंकि okay, सीवी तो आपने पहले ही उनको अपना ईमेल कर दिया था राइट right? या अगर आपने इंडीड या रीड से अप्लाई किया तो उनके पास ऑलरेडी आपका सी बी है उन्होंने डाउनलोड करके रखा होता है और यहाँ पे एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपसे कोई भी नहीं पूछता वो आपकी बातचीत से आपकी कन्वर्सेशन से जज कर लेते हैं कि आप वाकई उतने एजुकेटेड हैं जितना आपने सीवी में लिखा हुआ है तो वो आपने बिल्कुल नहीं लेके जाने अब और... ओके यहाँ पे मोस्टली जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है ना उस डिपार्टमेंट के मैनेजर इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ में कोई ए पर्सन होता है बस इतना ही पैनल होता है यहाँ पे लोग इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ा मसला जो होता है वो इंग्लिश का होता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग हम जो देसी लोग होते हैं इंडिया पाकिस्तान से हम समझते हैं कि पता नहीं इंग्लिश बोलना या पता नहीं कैसा एक्सेंट होगा क्या होगा लेकिन यहाँ मैंने इनकी एक बात ऑब्जर्व की है ब्रिटिश की कि वो यहाँ पे बहुत स्लो इंग्लिश बोलते हैं स्लो मीन्स कि वो आराम से इंग्लिश बोलते हैं आपने भी जब अपने डेफिनेटली आपका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ है और आपकी इंग्लिश डेफिनेटली अच्छी होगी लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपने अपने माइंड को बहुत सारी चीजों में ऑक्यूपाई किया हुआ है आपने अपने क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं आपको इंटरव्यू का प्रेशर भी है तो जल्दी जल्दी में आपने तेज तेज नहीं बोलना आपने रिलैक्स अपने जो आपका आपकी स्पीड है इंग्लिश बोलने की उसको स्लो रखना है ताकि आपकी बात कोई जो है वो स्किप ना हो जाए या आप किसी तरह से इंग्लिश में अटक ना जाए आपको प्रॉपर बहुत ही रिलैक्स कम्युनिकेशन करनी है उनके साथ और वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो भी बहुत ही ज्यादा आराम आराम से बोलते हैं वो जल्दी जल्दी में इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आपने बिल्कुल इस चीज पे प्रेशर नहीं लेना कि आपका इंग्लिश का इंटरव्यू है तो कैसा होगा ये जस्ट इसी तरह है और अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको उनकी समझ नहीं आ रही है या कोई बात वो पूछ रहे हैं और आप उस वर्ड की समझ नहीं आ रही तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको रिपीट कर दें क्योंकि या इसको एलेबोरेट कर दें सबसे पहले जब आप वहां जाएंगे तो आपने उन्हें ग्रीट करना है और यहाँ पे हाथ मिलाने का ट्रेंड है जो भी दो लोग या तीन लोग बैठे होंगे आपने उन्हें बारी बारी ग्रीट करना है और जाते ही डेफिनेटली तो यहाँ पे जब ग्रीट करते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं कि हाँ हेलो आई एम शबाना आपने हाथ में लगा आपको कहेंगे कि आप बैठ जाएं आप बैठें रिलैक्स करें फिर आपसे पूछेंगे कैसे हैं आप फिर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वो आपसे कहेंगे टेल मी मीट टेलस अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इसमें आपने अपना कंप्लीट नेम सबसे पहले बताना है उसके बाद आपने अपनी स्किल्स बतानी है राइट फिर आपने अपनी अचीवमेंट्स बतानी है अपनी एजुकेशन बतानी है उसके बाद आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है अच्छा एजुकेशन में आपने उन्हें ये बताना है कि लेट्स मेरी जो एजुकेशन है वो मास्टर्स इन इंग्लिश एंड लिटरेचर है तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने कस्टमर सर्विसेज के लिए दिया था तो उन्हें मैंने कहा था इसने मुझे इस तरह से इंग्लिश कम्युनिकेशन में वर्बल एंड रिटर्न में अपनी इंडस्ट्री में या अपने वर्क uh, एरिया में मुझे इसने किस तरह से हेल्प किया था तो ये आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा ये डेफिनेटली आप सब जो मुझे देख रहे हैं वो अपने काम में स्किल्ड हैं और आपको पता है कि आपने अपने आप को अपनी एजुकेशन को किस तरीके से अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ मैच करना है तो यू कैन डू वेल तो इस तरह से आपने अपने अचीवमेंट्स बतानी अगर आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रहे हैं या आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं तो आपने वो बताना है उसके बाद आपने अपना इंटायर एक्सपीरियंस बताना है क्योंकि मेरा इंटायर एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विसेस था पाकिस्तान में भी तो उन्हें मैंने ये बताया था कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक कस्टमर सर्विसेज का इस इंडस्ट्री का पार्ट रही हूँ और मैंने स्टार्ट इस डेजिग्नेशन से किया था और मैंने जब वहां से एंड किया था या रिजाइन दिया था तो मैं इस डेजिग्नेशन पे थी राइट right? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और ये इंट्रोडक्शन से ही वो आइडिया लगाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है आप कौन है आपका बैकग्राउंड क्या है कैसे जान सकते हैं तो इस तरह से वो डिफरेंट फर्स्ट uh, जो आपसे क्वेश्चन करेंगे वो अल्टीमेटली इंट्रोडक्शन वाला ही क्वेश्चन होगा तो इस तरह से आपने अपना एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेना है प्रॉपर अपने इंट्रोडक्शन के लिए ओके okay, फिर वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं इसके लिए आपने पहले अपना होमवर्क कर लेना है आपने सबसे पहले जब भी इंटरव्यू की आपको कॉल आती है तो आपने सबसे पहले उस कंपनी को लिंकड पे फॉलो कर लेना है और लिंकड पे जो अबाउट में इंफॉर्मेशन होती है उस कंपनी की उसको आपने पढ़ना है क्योंकि दैट इज मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन उसके बाद लिंक में उनके दो तीन रिसेंट पोस्ट पढ़ लें कि क्या अचीवमेंट्स है या उनका क्वार्टरली क्या रिजल्ट रहा है या वो क्या चीजें फेस कर रहे हैं तो इस तरह आप थोड़ी सी इस पर वर्किंग कर लें गूगल पे भी जाके जो भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जो लिंकड में अपडेटेड नहीं है वो आप गूगल से ले लें और बाकी इन्फॉर्मेशन उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो भी जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपने वैल्यूज पे जाना है ठीक है हर कंपनी की जो वैल्यूज होती है वो उसकी कोर इन्फॉर्मेशन होती है फॉर एवरी और करियर के लिए स्पेशली जब आप किसी भी कंपनी में करियर लेने जाते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आपको हमारी वैल्यूज का पता है तो आपने ये सारी वर्किंग करके जानी है और इसको आपने स्क्रिप्ट बना लेना है ताकि आप जब वहां बोलें तो आपके आप मेमोरी को वो चीज पता होनी चाहिए तो इस तरीके से आपने कंपनी की वर्किंग कर लेनी है जब आपसे वो पूछेंगे कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं तो आप उन्हें दो तीन जो है वो हाईलाइट बता दें कि ये कंपनी ऐसी है यहाँ इतने ये आप ये प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं रिसेंटली आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसमें आपको इतना फायदा हुआ है बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है जस्ट आप उन्हें ओवरव्यू दें कि यू नो अबाउट दिस कंपनी जिसके लिए आप काम करने आए हैं इसके बाद ये है कि वो आपसे पूछेंगे कि आप इस रोल के लिए कैसे फिट हैं हमें कैसे बता सकते हैं कि आप इस रोल के लिए फिट हैं तो इसके लिए आ, सबसे पहला रूल ये है कि जब आपने अप्लाई किया है आ, उस जॉब के लिए तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली पढ़ें जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखी होती है वो जब आपने अप्लाई किया होता है तो नीचे लिखा होता है कि वट वी एक्सपेक्ट या वट यू विल डू वट टू एक्सपेक्ट वो वो सारा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन ही होता है ठीक है कि आप वो उन्होंने पॉइंट्स लिखे होते हैं कि आप ये करेंगे उसके बाद आप ये करेंगे वो जो उन्होंने आ, कुछ तीन चार लाइंस लिखी होती है ना उसका एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है अगर वो के लिए जा रहे हैं और उन्होंने आपसे आप आपसे आप, आप ये पूछ रहे हैं कि आप टिल पे ये काम करेंगे तो जो जो काम आप टिल पे करेंगे उसको आपने आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम टिल पे करेंगे तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बारे में तो आपने अपने स्किल्स को और अपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस को आपने मिक्स एंड मैच करना है अपनी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत सारे ए आई टूल्स हैं जो आप जिनको आप कमांड देंगे कि इस जॉब से मेरी ये ये स्किल्स या मेरा कर दो तो वो आपको एक स्क्रिप्ट बना कर दे देंगे तो आप वो अच्छे तरीके से उसे करके उस टाइम आप उन्हें बता सकते हैं कि आप अपने इस रोल के लिए किस तरह से फिट हैं अच्छा यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है स्टार मेथड पर स्टार क्या है एस टी ए आर स्टार जिसमें वो आपको आ, कुछ Uh, एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें एस फॉर सिचुएशन टी फॉर टास्क ए फॉर एक्शन एंड आर फॉर रिजल्टली यहां हैं सिर्फ एक इंडस्ट्री में नहीं दिए मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू दिए हैं और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पहले मुझे स्टार मेथड का पता नहीं होता था लेकिन जब एक दो इंटरव्यू अनसक्सेसफुल हुए तो फिर मुझे लगा कि मुझे क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए तो फिर मैंने जब मैंने रीड पे अप्लाई किया तो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी फिर उसके नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी एंड तक वो जब मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि आप वो लिखते नहीं है कि आपको स्टार मेथड से जज uh, किया जाएगा या स्टार मेथड आप अप्लाई होगा वो सिर्फ नॉर्मल राइटिंग में लिखते हैं कि आपको अपनी सिचुएशन बतानी है चाहे वो कोई कॉलेज की है या कोई वर्क एक्सपीरियंस है कोई डिफिकल्ट uh, कस्टमर आपने हैंडल किया है या किस तरह से आपने किसी टीम में कोलेबोरेट किया है वो आपको एग्जाम्पल्स देनी है लेट सपोज आपने किसी मुश्किल डिफिकल्ट uh, कस्टमर को हैंडल किया है बिकॉज आई एम कस्टमर कस्टमर फ्रॉम सर्विसेज तो डेफिनेटली मैं उसी तरह से प्रिपेयर करती थी तो स्टार एस सिचुएशन क्या सिचुएशन थी आपका उसमें टास्क क्या था आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी उसके बाद आपका क्या एक्शन था उस सारे रोल में और उसके बाद उसके रिजल्ट क्या थे राइट right? ये पूछेंगे फिर इसी तरह के स्टार मेथड में वो आपसे टीम कोलेबोरेशन के बारे में पूछेंगे कि टेल मी टेलस के आपने कभी किसी टीम में कोई कोलेबोरेटिव काम किया था तो वो आपको अपने पास से आ, कोई कॉलेज का अगर आपका यूनिवर्सिटी का है आ, कोई प्रोजेक्ट या फिर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है आपके काम का तो वो आपने उसकी सिचुएशन बना के टीम वर्क में आपने कैसे काम किया था वही सेम एस फॉर सिचुएशन टी फॉर टास्क ए फॉर एक्शन एंड आर फॉर रिजल्ट्स तो आपने ये दो या तीन Uh, अपनी एक सिचुएशंस uh, बना लेनी है और स्टार मेथड पे आपने उसको अलाइन कर लेना है राइट right? तो so जब आप ये सब डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो आपने बहुत ही रिलैक्स मोड में इसको डिस्क्राइब करना है अगर आप एग्रेसिवली या जल्दी जल्दी घबराहट में बोलेंगे कि अब आपको ये बताना है तो वो सूटेबल नहीं होगा आपने उन्हें ये समझना है कि वो एक अजनबी लोग हैं डेफिनेटली और आप उन्हें अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि आपने उस टाइम पे किस तरह से काम किया था आपकी उस टाइम ये सिचुएशन थी और आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था देखिए वो एक आप एक एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं और उनको उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस टाइम वेट कर रहे हैं और वो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में बेस्ट इसी तरीके से होना है जब आपने उन्हें प्रॉपरली ये बताना है कि आप इस रोल के लिए कितने ज्यादा फिट हैं और उसकी मेजर की यही है कि आपने जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपने बहुत ही इफेक्टिवली डिस्क्राइब करना है एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो अपना सीवी उन्हें भेजा हुआ है वो उनके पास जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे तो आपको फील होगा कि उन, उन्होंने अपने पास प्रिंट करके रखा हुआ है वो ए टू जी दोबारा पढ़ के जाना है क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम इन सीवी बना लेते हैं और हम भूल भी जाते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं होता कि डेली उसको पढ़े अगर आपका सिंगल पेज सी है या आपका थोड़ा लंबा सीवी है तो इतना ज्यादा हमें फोकस नहीं रहता लेकिन जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो आपने दोबारा तो अपना सीवी पढ़ना है आपकी हेडलाइन से लेकर एंड तक आपकी हॉबीज तक ये सब आपने इसलिए इस, इस परपज के लिए पढ़ना है कि आपसे वो उसी में से क्वेश्चन करेंगे आपको अपने सीवी और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स तो लेकर नहीं जाने लेकिन आपको अपने राइट टू वर्क के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जिसमें सबसे पहले होगा पासपोर्ट राइट right? और उसके बाद आपका बीआरपी होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए दोनों और थर्ड में आपके पास शेयर कोड होना चाहिए शेयर कोड आपको गूगल से अब जब आप टाइप करेंगे शेयर कोड तो वो आपको जी वेबसाइट पर एक टैब होता है वहां से आप इजीली ले सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने शेयर शेयर कोड को नोट डाउन कर लेना है क्योंकि वो ऑनलाइन ही मिलता है या तो उसको डाउनलोड कर लें बट डाउनलोड करने के बाद आपने उसे किसी पेपर पे लिख लेना है क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट लेते हैं उसको प्रिंट आउट करते हैं वो देखते हैं शेयर कोड खुद निकाल लेते हैं या शेयर कोड के थ्रू जो आप उन्हें शेयर कोड देंगे उसके थ्रू वो अपने सिस्टम में उसको डाल के देख लेते हैं कि आपके पास राइट टू वर्क है या नहीं उसके बाद वो आपका इंटरव्यू करते हैं इंटरव्यू आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि आप हमारे टेबल पे क्या रखेंगे दैट मीन्स कि आप हम आपको क्यों चूज करें तो आपने इसे अच्छा सा रिस्पॉन्स बनाना है उसमें आपने ये बताना है जो आपकी मेजर स्किल है उस जॉब के लिए सूटेबल है वो आपके लिए क्या है बिकॉज यहाँ पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो क्योंकि मेरा एक बहुत डिफरेंट फील्ड का इंटरव्यू था तो जब मैंने उन्हें कहा कि मैं मैंने तीन चीजें प्रिपेयर की थी कि मैं आपके टेबल पे ये चीजें रखूंगी क्योंकि जब मैं वहां पे गई थी क्योंकि कस्टमर्स थे वहां पे उस ब्रांच में तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि कस्टमर जो है वो अः क्योंकि डेफिनेटली जब आपकी एक फील्ड है आप दस पंद्रह साल से उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको किसी भी जगह पे जाकर फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट हैं तो मैंने एक दो इम्प्रूवमेंट उन्हें बताई थी कि मैं अभी यहाँ पे क्यू में मैंने ये चीज देखी है और जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो मैं बाहर के जो जो भी uh, क्यू है उसको मैं किस तरीके से रिड्यूस कर सकती हूँ तो ये चीज उन्हें बहुत अच्छी लगी थी और ये मुझे फील भी हो गई थी ये बात की उनको मेरी बात इंटरव्यूर को पसंद आई थी और वहां के वो मैनेजर थे तो इस तरह से एक दो और चीज उन्हें मैंने बताई थी तो आपने बेशक कोई ऑब्जर्वेशन ना हो लेकिन आपने इसका आंसर पहले ही प्रिपेयर कर लेना है तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं वो इसके बाद आपसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस नहीं करते उनको उनको अगर आपका आंसर पसंद आ जाता है तो इंटरव्यू के आखिर में आपसे पूछेंगे कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं या नहीं तो आपने डेफिनेटली उन्हें ये नहीं कहना कि मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है आपने उन्हें उनसे क्वेश्चन पूछने हैं क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं या आपको ये बताना जरूरी इसलिए भी है कि जब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो वो इस चीज का नोटिस करेंगे कि आप कंसर्न है मैंने तो उनसे ये क्वेश्चन पूछे थे कि मेरी नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में मेरी क्या सिचुएशन होगी इस कंपनी में सेकेंडली उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आप अपने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को, को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो आपके अः कंपनी में ज्वाइन करने से पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करें या कुछ लर्न करें तो उन्होंने कुछ सर्टेन चीजें बता दी थी लेकिन वो ये नहीं है कि वो लर्न ही आपको करना है वो जस्ट एक किक होती है कि आपको आपको बताना होता है कि यस यू आर कंसर्न ओके एक इंटरव्यू में जो मेरा सक्सेसफुल इंटरव्यू था उसमें मुझसे मैनेजर ने पूछा था कि वट डू यू थिंक हाउ इज योर इंटरव्यू तो मैं उस टाइम मैं मेरे जो स्पिरिट्स थे बहुत हाई थे क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मुझे लग रहा था कि बस मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी और ये जॉब मुझे ही मिलेगी तो उनसे मैंने बोला कि माय इंटरव्यू वेंट वेरी वेल और वो कहते हैं कैसे तो उन्हें मैंने बताया कि मैंने अपने हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही ऑनेस्टली uh, दिया है बहुत केयरफुली दिया है और बहुत कॉन्फिडेंटली दिया है तो ही स्माइल्ड और उन्होंने कहा ओके okay, फाइन उसके बाद बस बाय बाय बोला और uh, हाँ ये इंटरव्यू में मैं हमेशा इंटरव्यू को कहकर आती हूँ कि हैव अ गुड डे तो ये बस एक कर्टसी होती है तो पता है जो अनसक्सेसफुल इंटरव्यूज होते हैं ना वो आपकी एक सीढ़ी होते हैं सक्सेसफुल इंटरव्यूज की तरफ और मेरे दो चार अनसक्सेसफुल इंटरव्यूज हुए थे और जब मेरा इस सक्सेसफुल इंटरव्यू हुआ था तो मुझे वो इंटरव्यूज ज्यादा याद आ रहे थे वो इसलिए क्योंकि जब आप प्रेपरेशन करते चले जाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाते हैं तो आपके जो एक टाइम होता है सक्सेस का ये सारी जो नाकामियां होती हैं वो उसकी तरफ ही आपको लेके जा रही होती है सो गाइज आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया होगा बिकॉज ये दिस इज नॉट समथिंग कि मैं बुकिश बात कर रही हूँ ये सब मेरी जो है सारी एक्सपीरियंसेस हैं और आपने देखा भी होगा कि कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं सिर्फ ये फील कर रही होती थी, थी कि ये जॉब इंटरव्यू जो है ये मेरा सक्सेसफुल होना चाहिए और ये मैं जॉब लेके रहूंगी और आई एम टेलिंग यू कि मेरे समटाइम्स uh, ये होता है कि जब आप स्टार्ट में इंटरव्यूज देते हैं तो आप थोड़ा डर जाते हैं जब आप डरते हैं तो डेफिनेटली आप हार जाते हैं ये ये मेरा एक्सपीरियंस है और इसी डर को खत्म करने के लिए आपने अच्छे अपने आप को वेल प्रिपेयर करना है आपने कोई कसर नहीं छोड़नी बिकॉज जॉब का इंटरव्यू जॉब के इंटरव्यू की कॉल आना एक बहुत बड़ा चांस होता है यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने का क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि एम्प्लॉयर कभी भी आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं करते या ईमेल पे रिफ्यूज कर देते हैं इफ दे आर कॉलिंग यू फॉर इंटरव्यू तो आपने इस चांस को बिल्कुल भी मिस होने नहीं देना So I wish you all the best for your interviews and for your your first job in UK. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.